कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी अपनी बराबरी में करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो इस कहावत का यह कहानी जीता जागता उदाहरण है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। क्रिकेट में हर खिलाड़ी का सेलिब्रेशन करने का अपना एक तरीका होता है। बल्लेबाज शतक लगाने पर, गेंदबाज विकेट लेने पर, तो फील्डर कैच लेने पर, सभी खिलाड़ी अपनी खुशी को अपने उसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में एक लौता ऐसा गेंदबाज है जो बल्लेबाजों को आउट करने के बाद उनकी रसीद काटता है। बात है साल 2017 की। इस खिलाड़ी ने जमैका के मैदान पर एक ऐसे खिलाड़ी की रसीद काटा जिससे लोगों का दिल दहल जाता है। इससे पंगा लेने में लोगों की रूह कांप जाती है, इससे नजर मिलाने में। और विलियम्स तो पूरी दुनिया के सामने बीच मैदान में उसकी रसीद काट रहे थे, जिसे दुनिया बैट बॉय भी कहती है, क्रिकेट के किंग विराट कोहली की। उसी वक्त से विलियम्स कोहली की आंखों में खटकने लगे। पूरी दुनिया ने इस बात को भुला दिया, लेकिन विराट कोहली इसे दिल में दबाए रखा और अब इस इंतजार में बैठे कि इसका शिकार कब किया जाए। वक्त बीतता गया। अब साल आया 2019, तारीख 6 दिसंबर। कोहली को जिस शिकार का 2 सालों से इंतजार था, वह शिकार खुद चलकर कोहली के पास आ रहा था हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शुक्रवार की रात को। इस बात से वेस्टइंडीज टीम अनजान थी, लेकिन इसकी भनक विलियम्स को भी नहीं थी। और शुरू होता है इस सीरीज का पहला T20 मैच। वेस्टइंडीज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा। भारत इस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, लेकिन बीच मैच के 13वें ओवर में विलियम्स कोहली से टकरा गए। कोहली के सीने में लगी आग को इस चिंगारी ने 16 बना दिया। उसके बाद विराट कोहली ने चौके छक्कों की बरसात से कर दी। और अभी तक किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि विराट कोहली आखिरकार बदला किसका ले रहे हैं। लेकिन 16वें ओवर की 2री गेंद पर चौका, 3री गेंद पर छक्का लगाकर विराट कोहली विलियम्स की रसीद काटने लगे। और उस मैच में कोहली ने 94 रनों की नबादपारी खेल एक ओवर शेष रहते ही मैच जिता दिया। उस मैच में विलियम्स ने T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के सबसे महंगे गेंदबाज बन गए। अपने 4 ओवर के कोटे में 60 रन खर्च कर दिए। विराट कोहली ने विलियम्स की ऐसी रसीद काटी कि फिर दोबारा विलियम्स किसी बल्लेबाज की रसीद नहीं काट सके और उनका करियर वहीं खत्म हो गया। और यदि विलियम्स ऐसा नहीं करते तो आज इनके साथ इतना बुरा नहीं होता। और आप भी कभी आवेश में आकर ऐसा काम ना करें जिससे पूरी जिंदगी भर पछताना पड़े। और आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि ना हो तो भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।